अस्सलाम वालेकुम, बॉल पाकिस्तान के साथ मैं हूं राशिद अहमद। दोस्तों, सानिहा मरी हुआ 23 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उसके बाद कारोबारी तबके का भयानक चेहरा हमारे सामने आया। जैसे ही ये मनाजिर हमने देखे, दरिंदगी बेहिसी देखी, तो पूरे पाकिस्तान से हर बंदे ने अपने इलाके को पारसा बनाकर पेश करने की कोशिश की। किसी ने कहा कश्मीर आ जाओ, किसी ने कहा सवात आ जाओ, किसी ने कहा गिलगित आ जाओ। फिर क्या हुआ कि सयाहों ने कश्मीर की जानिब रुख किया और कश्मीर से एक वीडियो आई है, जरा आप इसको मुलाहिजा फरमाए। आपने देखा, पैसों की खातिर चार जवानों ने लड़के और लड़की को खूब हरासा किया और हत्ता के हाथापाई की, गाली गलौज की। पूरी वीडियो में यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है। बहरहाल, आजाद कश्मीर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं। मैंने तभी ये बात कही थी कि कारोबारी तबका, बेहिस लोग, दरिंदे लोग, भयानक चेहरों वाले लोग हर पत्थर के नीचे आपको मिल जाते हैं। ये किसी इलाके की पहचान नहीं होती, न ही ये किसी इलाके की मजमुई विरासत होती है। अच्छे बुरे हर जगह पाए जाते हैं। आज ये कश्मीर में यह वाकया हुआ है, पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया, ये इंसान के बच्चे बन जाएंगे और खुला पैगाम दे दिया कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करते नजर ना आए। असल मसला ये है कि ऐसे लोग हर जगह पर पाए जाते हैं और हर इलाके में पाए जाते हैं। लिहाजा इलाकाई तासब पैदा करने की बजाय हमें असल मसाइल पर गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसे मसाइल होते क्यों हैं। अगर होते हैं तो फिर इनको लगाम कौन डालेगा। तो हमेशा के लिए जड़ की बात करनी चाहिए और उस जड़ को उखाड़ना चाहिए, न कि रोज रोज नए नए तरीके से अपने ही मुल्क में नफरतें और इंतशार पैदा किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।